गाइस पहली बार चाय बनाते हुए इंसान पहली बार चाय बना रहा है। इंसान पढ़ भी रहा है साथ साथ, देख रहे हो क्योंकि कल इसका एग्जाम है। चाय देखो क्या कलर आया है। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और सुबह सुबह मेरी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रही है क्योंकि मैं नीचे गया था कुछ काम से और जीटी चलाने की कोशिश करी मतलब, और पीछे लिया ना, जैसे मैंने क्लच लगा के पीछे नहीं जा रही थी जीटी। मैंने चेक करा पूरा टायर फ्लैट रखा हुआ था, पूरा टायर की ऐसे ऐसी हो गई। और वो भी है ना टायर है ना ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। थोड़ा बहुत खा पी के जिम जा रहे हैं, उसके साथ मैं उसके बाद मैं लगाऊंगा रोड साइड असिस्टेंट को कॉल, फिर देखते हैं क्या होगा, कितनी देर कितने टाइम बाद पहली बार कॉल लगाऊंगा उनको, RSA को कॉल लगाऊंगा पहली बार। मैंने पहले कभी कॉल नहीं लगाया ना कभी हेल्पली ना कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, तो देखते हैं कितने टाइम बाद आएगी वो RSA टीम, उसके बाद क्या करती है क्या नहीं करती, कितना क्या खर्चा होता है। बड़ी दिक्कत है भाई, अगर यही ट्यूबलेस होता ना ऊपर से कहीं भी ले जाता 40-50 रुपये में ठीक होके आप ही जाते अभी तक। चलो कोई नहीं, ये भी थोड़ा इसका भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। इसने पूरी चाय डुला रही थी, गया बोल रहा है ये वाला शॉट लेना था तेरे को, लेकिन दोबारा करके देगा हो सकता है दोबारा। अरे मत कर गुनू पागल, आराम से है ना। वाह पहली बार चाय बनाई इस लौंडे ने। बस भैया इतनी चाय नहीं पिएगा, कौन पिएगा इतनी चाय, तू और मैं ही तो है बस। आज को और प्लान ना उसको उठाऊं। ओके तो उठ गया लेकिन सदमे में चला गया ऐसा लग रहा है। जिम जाना है लेकिन जो उठ नहीं रहा। जिम तो नहीं जा रहे लेकिन हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, विजयनगर जा रहे हैं टिफिन देने किसी को, क्योंकि उनकी ट्रेन है और वो जाना है टिफिन कहीं और। देख रहा जिम कैंसिल हो गई है। डेडिकेशन देख लो, तू लग कैसे रहा है, टी शर्ट चेंज कर दे। अरे ठंड लग रही है तो पहले मैंने साफ किसी की ट्रेन है ये पूरा फ्लैट हो गया टायर। अरे इधर सुबह सुबह इधर नींद भी कम्प्लीट नहीं हुई, पता नहीं कहाँ ले जा रहा टिफिन दिलवाने। देखो ये टिफिन देने के लिए 8 किलोमीटर दूर जाना है फिर वापस आना है, देख रहे हो गाइस परेशानियाँ। पता नहीं कहाँ आ गए इतनी दूर, समझ ही नहीं आ रहा है। सत्य साई स्क्वायर से पता नहीं कितने अंदर मुड़े थे टिफिन देने के चक्कर में। तो भैया आ गए, वो पता नहीं चल रहा कहाँ चल रहा। चाचो की आ गई। अरे हाँ भैया भैया समझ आ गया। चलो गाइस टेक केयर, बाय बाय। समझ आ गया, चलना है चलना है। नहीं बेड़े खिला दो पहले। गाइस मुरैना का फेमस नाश्ता करने आए हम, बेड़े खाने आए हैं। यार ये फेस पे क्या हो रहा है यार, ये छोटे छोटे दाने, क्रिएटिन के साइड इफेक्ट तो नहीं है कहीं ये? और मैं पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ ढंग से। गाइस बेड़े साफ, बेड़े का होश आ गया। भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही लेकिन मेरे को लग रहा गंदा तो नहीं है कहीं यार, फेस पे कुछ तो हो रहा है यार। गाइस बताना जी क्रिएटिन के साइड इफेक्ट तो नहीं है, कमेंट करके बताओ। बीड़ी तो एक नंबर थी और RSA टीम बुला ली, नीचे RSA आ गई है, RSA टीम आ गई है तो टायर ठीक करवाने के लिए। अब हम नीचे जाते हैं और टायर ठीक करवाते हैं, देखते हैं कितना क्या कलेश होता है, कितना क्या परेशानी आती है, वो बताऊँगा ब्लॉग में। तो बने रहिए इसी ब्लॉग में और आप देखते रहिए इसी ब्लॉग को। सावधान इंडिया, जय हिंद। आंटी इतनी बदमाश हैं, मेरे मेरी बात सुनो कि 3 बजे तो आ रही है खाना बनाने, ब्लॉग तो बनेगा। लो जरा मेरे एक नंबर निकाल के दो। दिखा तो देख ऐसा लग रहा हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं। गाइस RSA टीम आ चुकी है, देखो रोड साइड असिस्टेंट का फायदा। यहाँ लगा लो यहाँ।
तो टायर खोल रहे हैं पहले और फिर टायर निकाल के ये लोग ले जाएंगे, टायर पंचर जुड़वाएंगे फिर दोबारा से टायर लगाएंगे। इतनी परेशानी जी टी में, लो ही मत भाई ट्यूब टायर तो क्यों स्पोक भी लो ही मत। अभी जी टी में वो आ गए ना, ट्यूबलेस टायर आ गया ना मेटियोर में। हाँ मेटियोर में, जी टी में नहीं आया ट्यूबलेस होता है, 2 मिनट का काम तो सही भी हो जाती है इतनी देर में। यार कितनी परेशानी इसमें, डिस्क ब्रेक को ले भी, शॉकअप भी को लेगा ना, शॉकअप भी को लेगा ना। पहली बार टायर पंचर हुआ है और पहली बार मैंने आरएस यूज़ करा है, इंजर्ट हो गए हैं यार। एक तो गाड़ी इतनी भारी, ऊपर से ये झंझट स्पोक व्हील के मतलब ट्यूब टायर के, कहीं मतलब रोड साइड हो जाए कहीं तो फिर फंस ही जाएँ 2-3 घंटे के लिए। तो करीबन इनको टाइम हो गया 2 घंटे आने में, और रात को कुछ हो गया तो भाई बैठ ही रह जाएंगे, बहुत दिक्कत है भाई। लो तो ट्यूबलेस टायर लो, वरना तो फिर ये तो बेकार चीज़ है, सच बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। टायर खोल दिया वाह यार, कि अगर मेन स्टैंड नहीं होता ना तो क्रेन मशीन आती गाड़ी को ले जाते वहाँ, फिर कंपनी में ले जाते वहाँ, दिक्कत आती काफ़ी ज़्यादा। बढ़िया रहा मैंने मेन स्टैंड लगवा लिया, और आप भी लगवा लो मेन स्टैंड जिसके पास जीटी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं मेन स्टैंड के। हाँ मैंने अलग से लगवाया, इसमें मेन स्टैंड आता नहीं है तो सही है, मेन स्टैंड का एक बार तो फ़ायदा निकल गया, आरएस का भी फ़ायदा निकल गया, अगली बार भी करवाऊँगा आरएस। काफ़ी हेल्पफुल नेचर लगा इनका, ये आए थे मतलब टायर ठीक करने, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि मतलब एलईडी बल्ब ऑल लगा दो इंडिकेटर में, तो इनने हाँ कर दी, एलईडी बल्ब ऑल लगा रहे हैं इंडिकेटर, मतलब एलईडी ऑल लगा रहे हैं इंडिकेटर में। गाइस देखो रात को दिखाऊंगा मैं तुमको कितना डिफरेंस हो रहा है, टायर जा रहे हैं सब जा रहे हैं टायर पंचर की दुकान पर, टायर सही होगा, टायर से ट्राई करो ना एक बार, प्लायर से ट्राई कर लो, हाँ उससे निकल जाएगा, पकड़ इशू का एक बार आप उठा लो, गलत पकड़ो पेंट से। देखो गाइस इस वजह से डर पंचर हो गया, बेस्ट रहती है क्योंकि इससे है ना अलॉय पे कोई दिक्कत नहीं आती, तो अब इस मशीन में डालेंगे पकाएंगे इसको, काम करवाओ अच्छे से मजबूती से करवाओ ना मत करवाओ। लोगों की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो इन्होंने मेरे को कॉल करके बुलाया कि वीडियो बना ले, ये देखो ये लोग ना टायर लेके आ गए हैं और वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। ये मलगार निकलवा रहे हैं क्यों जी स्टाइलिश, क्यों ये नहीं निकलेगा, क्यों कटर निकाल रहा है ले भाई काम हो गया 2 सेकंड में, बहुत शानदार भाई इम्प्रेस हो गया भाई, तो तुरंत गया था लेकिन लगाने में स्ट्रेस ही हो रही है, 15 मिनट हो गए इसको, और ये पीछे का ये निकलवा दिया है, पत्थर लाओ पत्थर इतना बड़ा, कौन सा पत्थर कैसा चाहिए, एक और आ गया भाई, तू सो रहा है बेटा, यहाँ पे टायर पंचर हो गया, और क्या क्या करवा दिया पता है, जूता स्टैंड ना गया, और सुन क्या क्या करवा दिया, ये निकलवा दिया, वाओ ठीक है, वो यहाँ पे पैर में तकड़ी टूट जाएगा, वो इंडिकेटर वाले बल्ब, ये लगवा दिए इंडिकेटर वाले बल्ब पीछे, फ्लेक्स ये फ्लैक्स एक्स लगा हुआ है, हाँ पीछे भी चल रहा है। फाइनली जी टी रेडी हो गई, टायर वायर सब लग गया, भाई ने बहुत काम किया, बहुत मतलब 2 से 2.5 घंटे हो गए आराम से, काफ़ी अच्छी। बाइक तो प्रॉपर रेडी हो गई, लेकिन जो इंडिकेटर्स थे उसको रीसेट करना था, तो उसको रीसेट करने आए हैं, और बाइक फुली कंप्लीटेड है, इंडिकेटर बल्ब लगवा लिए, पीछे का मडगार्ड हटवा दिया, और जो टायर पंचर हुआ था वो करवा लिया भाई। वो इतने सपोर्टिव बंदे थे जो आया था, मैंने एक्स्ट्रा पे करने की इतनी कोशिश करी थी, इतनी कोशिश करी भाई, उसने एक बंदा 1 रुपये नहीं लिया भाई ने, भाई अभी भी चेंज नहीं हो रहा है,
कुछ ना कुछ दिक्कत है, देखते हैं। फाइनली सब कुछ रेडी हो गया और रात भी हो गई, अब खाना वाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत अपना काम देखेंगे। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, काफ़ी दिन से कुछ नहीं करा, ना ही सब्सक्राइब बढ़ रहे, और मेहनत आज बहुत लगी है ब्लॉग में, तो कर दो यार, आज कुछ भी कर दो, लेकिन कर दो।